हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है हमारा, आज के लेक्चर में हम अल्कोहल की प्रिपरेशन को करेंगे। उस अल्कोहल की प्रिपरेशन को हम करेंगे, रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने IUPAC नेमिंग पढ़ी थी अल्कोहल की, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आज से हम उसकी अल्कोहल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं एल्कीन की प्रिपरेशन की, बात एल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करूं, तो एल्कीन से हम तीन तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं। पहला है मेरे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दूसरा होता है हाइड्रोबुरेशन, और तीसरा होता है कि हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ हम फोकस करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। इस पूरे रिएक्शन को समझेंगे, रिएक्शन होता क्या है, ये किस रिएक्शन को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कहा जाता है एल्कीन से, उससे अल्कोहल किस तरह से मिलता है, इसके मेन मेन बेसिक पॉइंट क्या है, प्लस इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे, इसके मैकेनिज्म किस तरह से चलता है और प्रोडक्ट हमें किस तरह से मिलता है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे चाहिए अल्कोहल, और अल्कोहल किससे चाहिए मुझे, एल्कीन से। ठीक है, और एल्कीन की प्रिपरेशन का ये पहला, एल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन का ये पहला रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, किसकी, एल्कीन के। चलिए अब इसके अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, रिएक्शन किस तरह से चलता है बच्चों, रिएक्शन किस तरह से चलता है, हमारे पास एक एल्कीन है, हमारे पास एक एल्कीन है। जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं मर्क्यूरिक एसिटेट से और वाटर की प्रेजेंस में पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में उसकी रिडक्शन करवाऊँ सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो मुझे मिलता है एल्कोहल। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, पर इस रिएक्शन की खास बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो फॉलो करेगा मार्कोनिकोव रूल। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जो उसका अल्कोहल का प्रोडक्ट आएगा वो सिंपली प्रोडक्ट हमने इस तरह से देना है कि हमने वाटर की एडिशन की है एल्कीन के अंदर, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हो। जब मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको समझ आएगा, हाँ मार्कोनिकोव रूल की तरह से ही किस तरह से हुआ था। ठीक है, तो हमें मार्कोनिकोव रूल्स से हिसाब से जैसे वाटर की एडिशन होती है एल्कीन के अंदर, उसी को फॉलो करते हुए हमें अपना प्रोडक्ट मिलता है। समझिए, जैसे सपोज अगर ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है तो एक H पॉजिटिव ऐड होगा और OH नेगेटिव ऐड होगी, एक जगह पे H पॉजिटिव ऐड होगा और एक जगह पे OH नेगेटिव ऐड होगी। अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल तो हमें पता है क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो H पॉजिटिव है, जब कोई भी ग्रुप उसमें ऐड हो रहा है एल्कीन के अंदर जब एडिशन होती है तो जो H पॉजिटिव है वो उस कार्बन के साथ जाके लगता है जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब ये डबल बॉन्ड है, या तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगी या यहाँ लगेगी। ठीक है, तो ये कहता है उस कार्बन के पास, मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि उस कार्बन के पास जाके हाइड्रोजन लगेगी जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लग गई यहाँ पे और जो बाकी बचा OH वो यहाँ लग गया। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन जब एल्कीन से हम होती है और जब हमें अल्कोहल मिलता है तो प्रोडक्ट हमेशा वैसा मिलेगा जहाँ पे मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए वाटर के एडिशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वैसा ही प्रोडक्ट हमें इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन से मिलेगा। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर। ठीक है, अब हमने रिएक्शन करवाया है मर्क्यूरिक एसिटेट से। अगर मैं मर्क्यूरिक एसिटेट की बात करूं, AC ग्रुप मेरे पास होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CH3CO, इसको हम कहते हैं AC, एसिटेट की शॉर्ट फॉर्म है CH3C डबल बॉन्ड O को हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरिक एसिटेट का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, मेरे पास HG है यहाँ पे, O C डबल बॉन्ड O CH3। मर्क्यूरिक एसिडेट का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से आता है, HG के साथ दो बॉन्ड के साथ OAC और OAC जुड़े हुए हैं, O एसिटेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये इसको कहते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट, और ये वाटर और सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म किस तरह चलता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा रिएक्शन जो पूरा इजिली क्लियरली समझ आएगा, हाँ इसका रिएक्शन किस तरह से होता है।
तो अब इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, ये है मेरे पास एल्कीन, ये है मेरे पास मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। अब क्या हुआ, समझिएगा इस चीज को, ये मर्क्यूरी का एटम है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, यहां पे जुड़ा है ऑक्सीजन, यहां भी जुड़ा है ऑक्सीजन इसके साथ, दोनों जगह जुड़े हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऊपर से ये मेटल है, मेटल तो ऐसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो खींचेंगे इस तरफ, ठीक है। बॉन्ड के जो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, एक HG का है, एक ऑक्सीजन का, एक मर्क्यूरी का है, एक ऑक्सीजन का है। पर वो जो इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड है वो खींच रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसका काम ही है इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब जब वो यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां इस HG के ऊपर आएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगी इलेक्ट्रॉन, इस HG के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, कहीं आसपास देखेगा मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, भाई कहीं मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, HG के पास इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इधर से भी OAC खींच रहा है, इधर से भी OAC खींच रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन कहां दिखेंगे, पाई बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पे। तो एल्कीन क्या एक्ट करेगी, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन एक्ट करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मर्करी पे इलेक्ट्रॉन, मर्करी के एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे थे। तो अब जो HG है, जो मर्करी है, अब उसको दिख रहे हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन है, थोड़ा समझने की कंसेप्चुअल चीज है, समझने की कोशिश करिएगा। अब वो यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इस इधर से भी ले सकता है, या तो इस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा या इस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है। अब दोनों कंडीशनों में देखते हैं, सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जुड़ते हैं, इस वाले कार्बन से आके जुड़ते हैं, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। मेरे पास समझिएगा इस चीज को, देखिए CH3, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो चले गए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए मर्करी पे, मेरे पास बना CH2HG, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। अभी तक यहां तक बात समझिए, यहां तक बात समझिए, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जब यहां पे जाएंगे तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये कौन सा है, ये है सेकेंडरी कार्बोकोटाइन, मोमेंट्री सेकेंडरी कार्बोकोटाइन बनेगा, मोमेंट्री सेकेंडरी कार्बोकोटाइन बनेगा, ठीक है। पर अगर यहां से कार्बन जाए तो यहां पे बनता प्राइमरी कार्बोकोटाइन, यहां बनता प्राइमरी कार्बोकोटाइन। तो मुझे पता है सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो कार्बन कहां से, यहीं से अटैच होगा HG के साथ, कार्बन के साथ यहीं से अटैच होगा HG के साथ, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकोटाइन मोमेंट्री बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो मेरे को पता है कार्बन HG के साथ यहीं से अटैच होगी। अब जैसे ही इसको यहां से इलेक्ट्रॉन मिले, HG को जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन मिले, अपने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके, तो ये AOAC के इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वापस, कि भाई आप वापस जाइए, मुझे आपके इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास क्या बचेगा, OAC बचा, एक ही बचा, ठीक है, और माइनस मेरे पास चला गया एक ACO नेगेटिव, अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, एक OAC नेगेटिव के साथ बाहर इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। पर अब इसके ऊपर आया था पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आया था पॉजिटिव चार्ज, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी अपनी न्यूट्रलिटी पूरी करनी है, ऑक्टेट की वैलेंसी भी पूरी करनी है। तो जो ये HG के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे यहाँ पे, HG के लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो होंगे यहाँ पे। अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां जाके बैठेगा, कार्बन का चार्ज तो पूरा, कार्बन तो हो गया न्यूट्रल, पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरे पास एक बना इंटरमीडिएट। यहां तक बात क्लियर, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब मर्करी HG है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलिटी चाहता है, पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलिटी चाहता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलिटी चाहता है, हमें पता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वो भी यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, इस बॉन्ड से भी और इस बॉन्ड से भी, इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो इनके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों, क्योंकि HG के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, उसको अपनी न्यूट्रलिटी पूरी करनी, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से खींचेगा अपनी तरफ, खींचने की कोशिश करेगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आएंगे थोड़ी सी न्यूट्रलिटी मेरे पास आएगी, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर। अब दूर कहीं पे वाटर का मॉलिक्यूल भी तो प्रेजेंट है, वाटर का मॉलिक्यूल भी तो प्रेजेंट है,
वाटर के मॉलिक्यूल के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाटर के मॉलिक्यूल के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, एच जी दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मरकरी दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ तक बात क्लियर ठीक है। अब क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास भी दो चॉइसेस हैं कि या तो वो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन दे दे, इस पॉजिटिव पे दे दे, या इस पे दे दे, ठीक है बात समझिएगा। अगर यहाँ पे भी दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है, ठीक है दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अब समझिए इस चीज को, अब इस चीज को समझते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की यहां देने की पॉसिबिलिटी भी है, यहां देने की पॉसिबिलिटी भी इसके पास है ठीक है। अब सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींच ले, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींच ले, तो मेरे पास क्या बनेगा, समझिएगा इस चीज को, CH3CH CH2HgOAC ठीक है, एच जी के साथ OAC ठीक है। जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां से खींच रहा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से खींच रहा होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम कंडीशन सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल होती है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल होती है। पर अगर इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन खींचे होते तो आता प्राइमरी प्राइमरी कार्बोकैटायन, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे होते तो आता प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो यहीं से बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है सेकेंडरी जो कार्बोकैटायन बनेगा वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, थोड़ा भार को झेल लेगा ठीक है। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन छोड़े कार्बन पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन छोड़े कार्बन पे, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब यहां पे जुड़े, तो मेरे पास बना H, एज इट इज जुड़ा है। अब ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है इस कार्बन के बॉन्ड पे, इस कार्बन के बॉन्ड पे, तो एच ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन को भी न्यूट्रलिटी चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी न्यूट्रलिटी चाहिए, तो क्या होगा, जब इस ये ऑक्सीजन अपनी न्यूट्रलिटी मांगेगा, जिसको न्यूट्रलिटी चाहिए, इसको भी न्यूट्रल बनना है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो शुरू में मेरे पास ACO नेगेटिव था, ACO नेगेटिव यहां से निकला हुआ था, ACO नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, तो मेरे पास एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इसको मैं CH3COOH भी कह सकता हूँ, एसिटिक एसिड निकलेगा, प्लस मेरे पास बनेगा CH3CHOH CH2HgOAC। अब मेरे पास आ गया ये प्रोडक्ट, मेरे पास आ गया ये प्रोडक्ट। अब इसके लास्ट स्टेप में बच्चों क्या होता है, जब इसको रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो रिडक्शन होती है, रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ से HgOC की जगह पे हाइड्रोजन की एडिशन होती है, और मेरे पास आता है मेरा प्रोडक्ट, मेरे पास आता है मेरा अल्कोहल जो मेरा प्रोडक्ट है। तो यहाँ तक बच्चों ये था पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर इस तरह के वीडियो आपको और भी चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूर करें बच्चों, ताकि मुझे लगता रहे मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू।